गुड मॉर्निंग क्लास, हिंदी की स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा सात की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग दो में पाठ 18 संघर्ष के कारण तुनक हो गया धनराज, इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जो हॉकी खिलाड़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले, उन्होंने उनका एक इंटरव्यू हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, जिसे लिया था विनीता ने। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पार्ट को पढ़ लिया था बच्चा। और हम लोगों ने देखा था कि उनका क्या स्वभाव है, वो कैसे इतने तुनक मिजाज हो गए थे ना। तो अपने जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष झेला था और इसी के कारण उनका जो नेचर है, उनका स्वभाव था, वो तुनक हो गया था। बहुत जल्दी वो चिड़चिड़े हो जाते थे, ठीक है, लेकिन असलियत में वो शांत और सरल स्वभाव के थे। शांत तो नहीं थे लेकिन उनका स्वभाव सरल था। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे बच्चों। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ प्रश्न उत्तर करिए। ठीक है, इस पाठ का जो पहला प्रश्न है साक्षात्कार से बच्चों, बोल रहा है साक्षात्कार पढ़ के आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है ना, उनका जो चेहरा है कैसा उभरता है ये साक्षात्कार पढ़ने के बाद, कैसी छवि आपके मन में उभरती है उनके लिए। ठीक है, वर्णन कीजिए। तो पहला प्रश्न लिखिए, पहला प्रश्न लिखेंगे साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की, ठीक है, कैसी छवि उभरती है, कैसी छवि उभरती है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में ठीक है, धनराज पिल्ले कि ऐसी छवि उभरती है कि ऐसी छवि उभरती है कि है कि वह स्वभाव से कैसे थे, सीधे सरल ठीक, भावुक थे, स्पष्ट वक्ता, साफ बोलने वाले, ठीक है, और क्या था बच्चों, परिवार से जुड़े और स्वाभिमानी, ठीक है, परिवार से जुड़े और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। कैसे हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, परंतु जीवन के कठिन संघर्षों
संघर्षों और आर्थिक संकेतों से गुजरने के कारण, आर्थिक स्थिति से गुजरने के कारण, वे अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? असुरक्षित महसूस करते हैं। वे अपने आप को बच्चों असुरक्षित ठीक है, असुरक्षित समझने लगे थे, असुरक्षित समझने लगे थे ना, अपने आप को कैसा महसूस करने लगे थे? असुरक्षित समझने लगे थे। आगे प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी, जब उनको प्रसिद्धि मिल जाती है तो प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं आया, उनमें जरा भी घमंड भी बोल सकते हैं, घमंड नहीं आया ठीक, उनमें जरा भी घमंड नहीं आया ठीक है। और उन्हें और क्या क्या चीजें हुई थी बच्चों, उन्हें लोकल ट्रेनों में सफर करने, उन्हें लोकल ट्रेनों में सफर करने पर भी जरा सा भी ठीक है, जरा भी अभिमान, जरा भी कोई परहेज नहीं है, जरा भी करने पर भी ठीक है, उन्हें लोकल ट्रेनों में सफर करने पर भी करने से भी कोई परहेज नहीं है ठीक है। जब वो लोकल ट्रेन में सफर करते हैं उनमें भी कोई परहेज नहीं है, उन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि वो लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं ठीक है, उन्हें लोकल ट्रेन में सफर करने से कोई भी परहेज नहीं है ठीक। लोगों को लगता है कि क्या लगता है लोगों को, उनके स्वभाव में तुर्क मिजाजी आ गई है, उनके स्वभाव में तुर्क मिजाजी आ गई है, तुर्क मिजाजी आ गई है, लोगों को लगता है कि वो चिड़चिड़े हो गए हैं, तुनक मिजाज के हो गए हैं, उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई है ठीक है। ऐसा नहीं है, वे आज भी सरल व्यक्ति ही हैं ठीक है, ऐसा नहीं है वे आज भी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं ठीक है, सरल व्यक्ति हैं या सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं ठीक है बच्चों, वे आज भी सरल व्यक्ति ही हैं। आगे समझ में, तो साक्षात्कार पढ़ के आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, आप उनका साक्षात्कार पढ़ा तो उनके आपके मन में कैसी उनकी छवि, उनका कैसा चेहरा आपके मन में छा रहा है ठीक है, तो
कैसा छा रहा है हमारे मन में कि धनराज पिल्ले ऐसे छवि बढ़ती है कि उनका स्वभाव से सीधे सरल भावु व्यक्ति थे, परिवार से जुड़े थे, सभी मानी व्यक्ति थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अगला दूसरा प्रश्न है हमारा, हर व्यक्ति को हम लोग एक पक्ष से नहीं आंक सकते जब तक हम लोग उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से जाने ना। तो यहाँ पे उनका इंटरव्यू हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं बताया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर मतलब बहुत वो गरीब थे, फिर वो बहुत अमीर हो जाते हैं, जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। ठीक है, लगभग सौ शब्दों में ठीक है, 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर लिखेंगे बोल रहा है कि वो कैसे जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनते हैं, उनके बारे में लिखना, उनके सफर के बारे में। तो लिखेंगे धनराज पिल्ले की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी हुई है। ठीक है बच्चों, संघर्षों से भरी हुई है। धनराज पिल्ले एक साधारण परिवार के थे। धनराज पिल्ले एक साधारण परिवार के थे बच्चों, और उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, और बचपन में अपनी माँ को उनके लालन पालन में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना उठाना पड़ा था, जिससे वो भली भांति परिचित थे। और ऐसे ही उनका स्वभाव कैसा हो गया था, तुनक मिजाजी हो गया, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही संघर्षों का सामना किया था। ठीक है, तो परिवार के थे धनराज पिल्ले, एक साधारण परिवार के थे, इस कारण उनके लिए इस
का शौक पूरा करना, पूरा करना, ठीक है, इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत गरीब थे और हॉकी स्टिक खरीदने के लिए उनकी हैसियत नहीं थी, तो अपने शौक को पूरा करना कठिन था, ठीक है। उनका आसान नहीं था, उनके पास हॉकी खरीदने तक के पैसे नहीं थे, उनके पास हॉकी खरीदने तक के पैसे नहीं थे, ठीक है, हॉकी तक खरीदने के पैसे नहीं थे, उन्हें हॉकी खेलने के लिए उन्हें हॉकी खेलने के लिए मित्रों से हॉकी स्टिक उधार मांगनी पड़ती थी, अपने मित्रों से हॉकी स्टिक उधार मांगनी पड़ती थी, ठीक है, उधार मांगनी पड़ती थी। लेकिन कहा जाता है बच्चों, जहाँ चाह है वहाँ राह है, यानी जहाँ हमारी चाह होती है वहीं पे हमें रास्ता दिखाई देता है, जहाँ चाह है वहाँ वही राह, जहाँ चाह है वही राह, ठीक, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठीक है, जहाँ चाह है वहाँ राह, ऐसा बोला जाता है, जहाँ चाह है वहाँ राह, ठीक है। वो हार नहीं मानते हुए पुरानी स्टिक से क्या करते हैं, पुरानी स्टिक से ही लगन से खेलते हैं, ठीक है, खेलते हैं, और क्या करते हैं, विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाया, खेलते हैं या खेलते रहे, ठीक है, और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाया, ठीक है, विश्वस्तरीय खिलाड़ी बनकर उन्होंने दिखाया, ठीक है। इसके बाद लगातार आगे बढ़ते रहे, इसके बाद लगातार आगे बढ़ते रहे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अपने जीवन में उन्होंने किस प्रकार इतना संघर्ष उठाया और धनराज पहले जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनते हैं, ठीक है, वो लगातार खेलते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर उन्होंने दिखाया, इसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते रहे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारा इस पाठ से 2 प्रश्न समाप्त होता है।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।